10 मार्च पिछले 24 घंटा में उड़ीसा का सभी डिस्ट्रिक्ट्स में सभी जिला में ड्राई व सुखाया वेदर था। मैक्सिमम टेम्परेचर मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में स्वाभाविक का आसपास ही था और मिनिमम टेम्परेचर भी स्वाभाविक का आसपास था। सबसे हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर कल हुआ था 38.5 मलकानगिरी में। मिनिमम टेम्परेचर आज सुबह हुआ 15.5 फुलवानी में। एक दो जगह में फॉग भद्रक और नोंगुल डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। अभी हमारा अगला 24 घंटा अगला 5 दिन के लिए जो फोरकास्ट रहेगा, अगला 5 दिन ही हमारा ड्राई वेदर सभी डिस्ट्रिक्ट में रहने का चांसेस है और मैक्सिमम टेम्परेचर व डे टेम्परेचर अभी ग्रेजुअली 3-4 डिग्रीज इंटीरियर उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट में मेनी प्लेसेस में और 2-3 डिग्री हमारा कोस्टल उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट में कुछ कुछ जगह में राइज करने का चांसेस है। फिर 2-3 दिन का बाद फिर राइज होने का बाद फिर और ज्यादा चेंजेस उसके बाद नहीं होगा। अभी हमारा भुवनेश्वर सिटी में मेनली क्लियर स्काई रहेगा, पार्टली क्लाउडी आफ्टरनून में कुछ देर समय के लिए हो सकता है और मैक्सिमम टेम्परेचर भुवनेश्वर में हमारा था 35.7 और मिनिमम 23.8 आज था। अभी कल आज हमारा फोरकास्ट मैक्सिमम टेम्परेचर 37 का आसपास रहने का चांसेस है, मिनिमम टेम्परेचर 24 का आसपास रहने का चांसेस है। अभी 5 दिन का बाद हमारा आउटलुक पीरियड में जो है जैसा 20-22 इसमें इस समय हमारा मेनली इंटीरियर विशाखा डिस्ट्रिक्ट में एक आइसोलेटेड वे में थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश होने का चांसेस है हमारा 20-23 और 22 उस पीरियड में, मार्च का उस पीरियड में।